कोविड-19 की महामारी के दौर में भारत सरकार दुनिया भर से भारतीयों की घर वापसी का पूरा इंतजाम कर चुकी है। चरणबद्ध तरीके से चल रहे वंदे भारत मिशन के तहत अब तक करीब 50,000 से ज्यादा भारतीयों की घर वापसी हुई है। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स के द्वारा जारी एक नोटिस के अनुसार अब सरकार भारत से लोगों को विदेश भेजने की तैयारी कर रही है। भारत से विदेश जाने वाले यात्रियों के लिए एयर इंडिया 5 जून से अपनी फ्लाइट्स की बुकिंग को शुरू करेगी। यह बुकिंग वंदे भारत मिशन की योजना के तहत होगी और यात्री अमेरिका और कनाडा सहित विश्व के कई देशों के लिए टिकट बुक करा सकेंगे। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अपने ट्विटर अकाउंट के द्वारा इस बात की घोषणा की। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स के द्वारा जारी नोटिस में यह साफ किया गया है कि फिलहाल सिर्फ उन्हीं लोगों को यात्रा करने की अनुमति होगी जिनको यात्रा के लिए चुने हुए देश की नागरिकता प्राप्त होगी, जो ग्रीन कार्ड या OCI कार्ड यानी कि ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड रखते हैं। साथ ही उन भारतीयों को भी अनुमति होगी जिसके पास उस कंट्री का कम से कम 3 महीने का रेसिडुअल वीजा होगा। यदि किसी भारतीय के पास कन्फर्म एम्प्लॉयमेंट या इंटर्नशिप लेटर होगा या किसी एजुकेशन संस्थान का एडमिशन लेटर होगा तो उसे भी कम से कम 1 महीने के रेसिडुअल वीजा के साथ इंटरनेशनल फ्लाइट्स लेने की अनुमति होगी। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सरकार के वंदे भारत मिशन के तहत 9 से 30 जून 2020 के बीच इंटरनेशनल यात्रा कर सकेंगे। पुरी ने कहा कि अभी सामान्य तौर पर इंटरनेशनल उड़ान शुरू होने में समय लग सकता है। देश के ज्यादातर मेट्रो शहर फिलहाल रेड जोन में है जिसके चलते बाहर के शहरों से लोग फ्लाइट पकड़ने के लिए नहीं आ सकते हैं। साथ ही पुरी ने कहा कि हमें आगे वायरस का भी देखना है कि इसका क्या असर होगा। तब तक सरकार वंदे भारत मिशन के तहत लोगों को देश में विदेश से लाती रहेगी। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें और बने रहें हमारे चैनल पे आगे आने वाले और भी अपडेट्स के लिए। थैंक यू।